हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 12 का एपिसोड नंबर 71। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कैसे काई, नमस्ते एंड वेलकम टू एपी फिल्म्स प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 12 पावर्ड बाय ओप्पो F9 Pro। वेल फ्रेंड्स, आज का एपिसोड काफी शर्मसार था, काफी निंदनीय था, इसीलिए क्योंकि गाइस एक क्रिकेटर जिसने अपने जिंदगी में अपने जो साल थे वो इंडियन क्रिकेट टीम को दिए, आज उसको नेशनल टेलीविजन पे रोता हुआ देखकर आप लोगों को जरा बुरा नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान होगा कि अरे शीशांत तो फिक्सर है, शीशांत ने फिक्सिंग की, शीशांत ने ये किया वो किया। एज अ क्रिकेट लवर गाइज, आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ एज आजाद मैदान, ओवल मैदान एंड शिवाजी पार्क इन मुंबई। वो क्रिकेट का किट उठाकर वो 3-3.5 किलो का SG का किट उठाकर जब एक नॉर्मल सा छोटा सा बच्चा 5-5.5 साल का, आज तो उससे कम उम्र के बच्चे जो BST की बस होती है मुंबई की वो पकड़कर जब उस मैदान में जाकर क्रिकेट खेलते हैं ना, आप जब सुबह को जहां पर जॉगिंग करने जाते हो वो दर्शाता है क्रिकेटर की लगन, उसकी चाह और उसका एक अंदर का इंसान जो इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करना चाहता है और क्रिकेट खेलना चाहता है। और गाइज, एक स्पोर्ट्समैन से उसका बॉल, उसकी लाइफ, उसका पैशन छीन देना जिंदगी भर के लिए, उसको क्रिकेट ग्राउंड की शक्ल नहीं देखने देना और उसको ग्राउंड से जिंदगी भर के लिए वंचित कर देना, ये उस इंसान के जिंदगी के लिए सबसे बड़ी हार होती है। और वो इंसान लकी है कि वो जिंदा है, दूसरा कोई होता तो आत्महत्या कर लेता, फांसी कर लेता। अजय जडेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, ये सारे लोगों को जिस तरह से इस तरह शर्मसार किया गया मैच फिक्सिंग स्कैंडल में, अजरुद्दीन जी जो वापस बाहर निकल गए, लेकिन उन सदस्यों का क्या जिनके इल्लस्ट्रियस करियर्स को इस मैच फिक्सिंग के घिनौने और गंदे आरोपों ने शर्मसार कर दिया। क्या लगता है आपको, क्या एस श्रीशांत जैसा आदमी केवल 10 लाख रुपए के लिए इस तरह की भंगी हरकत कर सकता है? शीशांत 10 लाख रुपए की घड़ी पहनता होगा अपने घर में। तुम लोगों को लगता है शीशांत 10 लाख रुपयों के लिए मैच फिक्सिंग कर सकता है? लिटरली स्पीकिंग, आज जब एस श्रीशांत ने अपनी कहानी बयान करना शुरू किया कि मैच फिक्सिंग के आरोप के बाद मेरे फादर डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मेरी मम्मी डिप्रेशन में थी, मेरे घर में जब मैं वापस गया जेल के बाद मेरे फादर ने बेडरूम की लाइट स्विच ऑन की और AC स्विच ऑन किया, तब मैंने उनको चीख और चिल्ला कर कहा कि लाइट बंद कर दो, AC बंद कर दो। मैं वो पहला क्रिकेटर था जो जेल में गया था जहां पे ना लाइट था ना पंखा था, मेरे को आदत लग गई थी बिना लाइट और फैन के रहने के लिए। और गाइज, जेल में किस तरह का व्यवहार होता है तो हम सब लोग जानते हैं। मैं क्रिकेट का ग्राउंड एंटर नहीं कर सकता, BCCI जितने भी लोग हैं जो यहां पर शीशांत को अपराधी घोषित कर बैठे हुए, उन पर एक बैन लगाया है कि वो क्रिकेट ग्राउंड में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे ठुल्ले बैठे हैं वहां पर जो देश का सौदा कर रहे हैं आज भी मैच में 0 पर आउट होकर, लेकिन तुम लोग इंक्वायरी नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो पैसा ला रहे हैं, एड्स ला रहे हैं, स्पॉन्सर ला रहे हैं, क्यों उनकी वाट लगाओगे? लेकिन शीशांत जैसे क्रिकेटर, एस्पेशली मलयालम पीपल केरला पीपल आर द मोस्ट स्वीटेस्ट ऑफ देम ऑल, सीरियसली बोल रहा हूँ। सऊदी अरेबिया जाओगे ना, वहां पे हिंदुस्तानियों के नाम पे तुमको सिर्फ मलयाली लोग मिलेंगे, वो अपनी जान दे देते हैं तुम लोगों के लिए। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स लो, होटल्स लो, रेस्टोरेंट लो, फ्री में लोग खाना खिलाते हैं मदीना में मलयाली लोग वहां पे बैठ के। अरे मलयाली इंसान पे इतना बड़ा आरोप लगाना, सीरियसली आज जब शीशांत रोया ना नेशनल टेलीविजन पे, ऐसा लगा मैं अपने आप क्या बोलूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। लेकिन गाइस, जब शीशांत ने कहा कि लोग मेरे दोस्त आके मुझको हक करते हैं, बोलते हैं अरे जाने दे यार, जो हो गया हो गया, लेकिन शीशांत बोलता है मैंने किया ही नहीं, मैंने मैच फिक्स किया ही नहीं, फिर भी आके लोग मुझको हक कर रहे हैं, मुझको बोले तूने ही किया, क्यों?
जानबूझकर अपराध में अपने आप पे लूं, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मैं एक सेलिब्रिटी मैच के लिए गया था जहां पर मैं कोचिंग कर रहा था, वहां पे एक छोटा सा लड़का आके मुझको बोलता है आप इस ग्राउंड पे नहीं रुक सकते हो, आप इस ग्राउंड पे नहीं रह सकते हो, आप पे बैन लगाया गया है क्रिकेट फील्ड पे रहने के लिए, आप लोग प्लीज छोड़कर पिच चले जाओ। तब शीशान ने कहा कि मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन उसके बाद शीशान बेचारा अपनी गाड़ी में बैठ के पार्किंग में, यस मेरा भाई, अपनी पार्किंग में बैठ के वो मैच को सुन रहा था। तभी भी वॉचमैन ने आके बोला शीशान तुम यहां मैच खड़े रहकर सुन भी नहीं सकते हो। अरे घंटा रे ऐसा बीसीसीआई, घंटा ऐसा क्रिकेट बोर्ड, फक ऑफ फ्रॉम यर, गो टू लंडन शीशान, जाके ऐसे सरी ग्लॉस्टरशायर लैंकशायर बर्मिंघम के लिए खेलो तुम काउंटी क्रिकेट, गांड मरा ये बीसीसीआई जो एक नॉन अपराधी आदमी को इतनी बड़ी सजा देता है। शीशान वी आर विथ यू, द नेशन इज विथ यू, आपके फैंस आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बिग बॉस के बाद आप अपनी लड़ाई शुरू करना इस बोर्ड के खिलाफ। यहाँ साले बड़े बड़े क्रिकेटर लोग ट्वीट करते हैं आई एम लिसनिंग टू माई दिस रेडियो, आई एम वेयरिंग दिस पजामा, आई एम वेयरिंग दिस मॉस्किटो रिपेलेंट, प्रमोशन के नाम पे गेम चल रहा है यहाँ पर, एड्स बेच, लेकिन यहाँ पर शीशान जैसे आदमी को पर्सनल खुन्नस, हर बदल लाफा मारा। शीशान ने सचिन को आउट किया, उसको सुना दिया, सबकी खुन्नस थी शीशान पे। ये बोलते हैं ना एक मसलूफ इंसान की वाट लगाना वो होता है। गाइस चले आज का एपिसोड शुरू करते हैं, और गाइस सबसे ज्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा है, शीशान बोलता है अरे अगर कल जाके मेरे बच्चे क्रिकेट खेलने लगे तो मैं उनको स्टेडियम में भी जाके नहीं देख सकता हूं। इससे बड़ी दुख की बात क्या है रे। हाँ इंसान का जमीर मर जाए, इंसान की आत्मा मर जाए। लेकिन गाइस यहां पर बिग बॉस का भी रिव्यू करना है, चलिए शुरू करते हैं। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, अच्छा गाना बजा, दीपक झाड़ू मारते हुए दिखाई दिया। यहां पर सुरभी आपस में झगड़ लिया, हैप्पी क्लब का ये जो झगड़ा हुआ गाइस आज के दिन में, अब वो क्या जानबूझकर हुआ, क्या इस हफ्ते टीआरपी लेने के लिए हुआ, ये मुझको पता नहीं, लेकिन आज हैप्पी क्लब की लिटरली तेरे है तो लग गए, पूरा हैप्पी क्लब बिखर चुका है, रोमिल शर्मसार हो चुका है। यहां पर सुरभी राणा ने कहा मैं मम्मी नहीं हूं, मैं कैप्टन हूं। रोमिल बोलता है तेरा कैप्टनसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्यों, क्योंकि यही है टटन टटन रोमिल, रोहित, जितनी भी लड़कियां रोहित को सेक्सी समझती है, टेस्ट बदलो, टेस्ट बदलो लॉन्डी लो, टेस्ट बदलो, रोहित कोई एंगल से सेक्सी नहीं लगता। रोहित छिलेला, हम लोग मुर्गी की दुकान में जाते हैं ना, बोलते ना अबे एक किलो मुर्गी दे दे, स्किन आउट मुर्गी दे दे, वो स्किन आउट चिकन है बे, तुम लोग का टेस्ट है ना हैज गॉन टू द डॉग्स, सीरियसली बोल रहा हूं, चेंज योर टेस्ट, रोहित इज नॉट इन आई कैंडी, सीरियसली बोल रहा हूं, आई कैंडी करणवीर बोरा है, मसल देख उसकी। लेकिन गाइस यहां पर रोहित ने माइक नहीं पहना, काफी क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ा सुरभी को, झगड़ा हुआ। दीपिका ने कहा अच्छा लग रहा है, हो रहा झगड़ा, हैप्पी क्लब भिड़ने दो, मुझको भी काफी अच्छा लगा। सुरभी ने कहा रोमिल तू निकल, तू निकल, तू निकल, तू रस्ते वाली औरत है। अब वो लोग बोलेंगे तू रे सुरभी को रस्ते वाली औरत कहा, अब तेरा फेमिनिज्म कहां का, अबे तो मेरा भाई कौन ऐसा चढ़ के मर्द के ऊपर वो करता है, हा? कौन चढ़ता है एक आदमी के ऊपर इतना। सुरभी आना इतना मुंह के पास आके रोमिल को बोले निकल निकल तू गधा है, दूसरा आदमी होता ना लाफा मार देता, लेकिन ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ पे फेमिनिज्म है। अगर मैंने मेघा धड़े को बोला कि उसने चप्पल मारा सही किया, तो सुरभी राणा ने भी सही किया है ना, लेकिन भाई थोड़ा फर्क होता है, फर्क होता है औरत के बिहेवियर में, रस्ते वाली औरत में और औरतों में फर्क होता है। लेकिन नहीं, आज कमेंट में आएंगे दीपक ठाकुर के कुछ नल्ले इलिटरेट फैंस जो है वहां पे बैठे हुए, वो आएंगे तूने ये बोला तूने वो बोला, अबे जाओ बे, बिहार में लाइट नहीं है, बिहार में रास्ते नहीं है, बिहार में सड़कें नहीं है। आज भी सिवान स्टेशन में मैं उतरूंगा ना रात को 1 बजे, अब वहां पे बड़हड़िया और बिहार बहुवाला जाने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं बीच रास्ते में लूटा जाऊंगा, उसके बारे में कुछ करो। हाँ असनैन टोला में लाइट नहीं है, उसके बारे में कुछ करो। बस्ती चौरी चौरा चौरी वहां पर रोड नहीं बने, वो कुछ करो रे, ये सब काम मत करो, सीरियसली बोल रहा हूं ना, जाओ बिहार को डेवलप करो। यहाँ पे कमेंट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहानी आगे बढ़ती। यहाँ पर रोमिल को, अब गाइस
यहां पर एक बहुत सीरियस टॉपिक आता है, मैं आप लोगों से जरा डिस्कस करना चाहता हूं। एक लड़की है, वो एकदम फुड्डू कंटेस्टेंट है, वो इस गेम में इसी सहारे में जिंदा है क्योंकि एक लड़का है जो उससे प्यार करता है और एक क्लब है जो उसको सपोर्ट करता है। अब वो लड़की को एक लड़का सेव करता है तो वो उसको चैरिटी लगता है। सोमी खान, सोमी खान तुम एक नंबर की जोकर हो, क्यों तुमको दीपक सेव करता है तो तुमको चैरिटी लगता है। सोमी खान बोलती है, दीपक अगली बार तुम मुझको सेव नहीं करना, मुझको चैरिटी नहीं। जब सोमी खान तो अगले हफ्ते आउट हो जाएगी मेरे भाई, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर देखो दीपक ठाकुर रोमिल का सहारा नहीं मिलेगा ना, तेरी बहन बैठी है ना सभा, उसी के साथ जा वहां पर, अगली बार सलमान खान से वीडियो कॉलिंग में चैटिंग कर लेना, सीधी बात बोलता हूँ। सोमी खान ने जो गंद मचाई आज घर में, पूरा हैप्पी क्लब फट गया, पूरा हैप्पी क्लब फट गया। और किस तरह से रोमिल को उसने बोला, रोमिल तू फट्टू है, दीपक को सुबह तुम मेरे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहां पर एक लड़की है जो पराठे खा खा कर अपने डोले शोले बना रही है। अबे जसलीन मथारू, तू यहां पराठे खाने के लिए आई है क्या? झगड़ों के बीच में पराठे खा रही है, तू पगली है क्या? तू पगली है क्या? सच्ची बोल रहा हूं मैं, तो सीरियसली पूछा जाता हूं। जसलीन मथारू बोलती है, इस घर में रोमिल को सब जानकारी है, सूरभी गेम प्लेयर है और दीपक तो सबसे बड़ा शान है, बाकी सब चूती है। एक औरत का अपने मुंह से चूतिया वर्ड यूज करना कितना शर्म सा रे रे, अरे थोड़ा इज्जत रखो रे, एटलीस्ट जरूरटा की इज्जत रखो। जो बाहर ओ, अगर ओ, पसंद है तो लाइक करना एपिसोड। कहानी आगे बढ़ती, यहाँ पे सूरमी और सूरभी की भी काफी गंदी झगड़े होती है। यहाँ पर गाइस एक टास्क रखा जाता है जो कि कैप्टनसी टास्क, नॉमिनेशन टास्क है। ओके, ए टीम वर्सेस बी टीम, यहाँ पे दो बंकर बनाए जाते हैं और दोनों बंकर्स को वहां पे सूरभी रहना। अब बिग बॉस क्या सोच रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सूरभी कैप्टन है। अभी ऑब्वियसली तुम सूरभी राणा को बोलोगे कि इस घर में इस हफ्ते कौन नॉमिनेट होगा, तो ऑब्वियसली सूरभी का झगड़ा जिसके साथ उसको नॉमिनेट करेंगे। इस पढ़ाव पर वीक इतने क्रूशियल वीक में 70th डे पे यू आर गिविंग सूरभी राणा ऑल द राइट्स टू एलिमिनेट एनीबॉडी, आर यू ड्रंक बिग बॉस? यहां पर अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आउट हो जाएंगे आपके वजह से, लेकिन नहीं, यहां पर ब्लास्ट द बंकर सूरभी नॉमिनेट करती है जसलीन को। अब जसलीन को क्यों नॉमिनेट करती है? वो गोरी है, खूबसूरत, उसके गोल्डन बाल है, ब्लॉन्डी है, और तू झगड़ा करती है, तेरे घुंघालू बाल है, तेरी शक्ल टट्टी समान है। अब लोग बोलेंगे सूरभी राणा की शक्ल टट्टी समान है, आमिर अंसारी यू आर अगेंस्ट फेमिनिज्म। अबे जाओ बे, अबे सच्ची बोल रहा हूँ ना, जाके ऑर्फनेज में जाके भूखे बच्चे को खाना खिला जाते। सूरभी राणा, व्हाई द फक आर यू जेलस विद जसलीन मथारू? जसलीन मथारू को नॉमिनेट करने का मतलब ही नहीं है यार, क्यों? वो अंडर परफॉर्मर है। अबे यार रोमिल पूरा दिन सोता रहता है, वो अंडर परफॉर्मर नहीं है? हाँ हॉरिबल। सूरभी राणा ने जसलीन को नॉमिनेट किया, रोमिल को भी नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद उसने सोमी खान को नॉमिनेट कर दिया, मेगा धड़े को भी नॉमिनेट कर दिया, दीपिका को भी नॉमिनेट कर दिया। गाइज यहां पर पांच लोग नॉमिनेटेड है, दीपिका, मेगा और सोमी, जसलीन और रोहित। गाइज प्लीज वोट फॉर फेवरेट कंटेस्टेंट्स, इसीलिए दिमाग से खेलो यहां पर। अगली बार कुछ रोहित नॉमिनेटेड नहीं है गाइज, सूरभी ने जसलीन को नॉमिनेट किया, रोमिल, सोमी, मेगा, दीपिका। प्लीज गाइज अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को इस शो से बाहर होने के लिए, बचाने के लिए प्लीज उनको बचाइए, ताकि वो अगले हफ्ते नॉमिनेशन में नहीं आए। ओके गाइज, मेरी आपसे एक ही विनंती, सब लोग पिस्ट ऑफ थे, सूरभी या खुश थी, जसलीन क्या बोल रहे पता है? ए सोमी, सूरभी तूने मेरे को नॉमिनेट कर दिया, तू जलती है मेरे से। एक डजन पराठे ठूस रही है बैठ के, दही में निचोड़ निचोड़ के, हाथ है ना हथनी बन गया तेरा, जसलीन मथारू खा खा के। हाँ शो में पराठे खाने आई है तू? कसम से जसलीन मथारू, अरे मैं तो बचपन से मोटा हूं रे, मेरा मोटापन नहीं कम होगा, मैं बचपन से मोटा हूं, तुम इतना खा खा के मोटे बनी हो। और गाइस वहां पे कहानी आगे बढ़ी और यहां पर दीपक ने सूरभी को धक्का मार दिया। रात के 1:30 बजे हैप्पी क्लब की मीटिंग चल रही है। अबे सब प्लानिंग है बे हैप्पी क्लब की, झगड़ा वड़ा कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब प्लानिंग है हैप्पी क्लब की। हैप्पी क्लब ने यहां पर सूरभी को धक्का मारा, जाके सोमी से बात कर, रोमिल भी सॉरी बोल रहा है। अब गाइस
कल क्या होता है ये वक्त ही बताया, कल कोई कार्य आने वाला है, लेकिन आज का एपिसोड शीशांत के नाम रहा। शीशांत मेरा भाई, कोई तेरे पे बिलीव करे या नहीं करे, कोई तेरे पे विश्वास करे या नहीं करे, मैं जानता हूं तेरा दिल साफ है, तूने पैसे नहीं लिए, ठीक है मेरा भाई। ओके, एपिसोड पसंद आए क्योंकि गाइस एक 10 लाख की रोलेक्स के लिए ना कोई कोई एक रोलेक्स घड़ी के लिए ना कोई यहाँ पे फिक्सिंग नहीं करता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। यहाँ पे लोग फंसते हैं, बीसी रह गए, चाल चलन रहा है, अजरुद्दीन को निकाला क्योंकि सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, इसीलिए ये सब चलता रहता है। शीशांत कम आउट, विन द शो, वी आर विथ यू। स्मियान अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट फोक्स।